नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं क्लास 24 एसएससी एग्जाम। जब मैं पढ़ाना शुरू किया, जब मेरी जर्नी शुरू होती है पढ़ाने की, तो एक कमेंट मैंने हमेशा फेस किया है। एक जो सेंटेंस होता है, मैंने बहुत सुना है, टीचर्स के मुंह से सुना, बच्चों के मुंह से सुना, और वो रहता है कि सर आपने इंजीनियरिंग की है तो आप तो जीके क्यों पढ़ाने लगे, इंजीनियरिंग और जीके का कोई संबंध नहीं है, कहाँ इंजीनियरिंग कहाँ जीके। और दूसरा एक बड़ा पूछा जाता है मेरे से कि सर आप तो इंजीनियरिंग किए हो, आपको मैथ्स रीजनिंग या इंग्लिश पढ़ाना चाहिए। कि भाई मैथ्स आपकी अच्छी होगी, रीजनिंग अच्छी होगी, इंग्लिश अच्छी होगी, जीके में कहाँ से घुस गए आप, है ना। तो ये संदीप सर की टीचिंग जर्नी, आखिर सर ने जीके पढ़ाना ही क्यों चुना। मैं काम करो वीडियो ही कर देते इसके ऊपर, क्लियर हो जाएगा कि भाई क्यों। आखिर देखो, अगर जो आप लोग मेरे को पिछले 5-6 साल से यूट्यूब में हूं मैं, अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं, आप वीडियोज देखते होंगे, तो आपको एक चीज़ तो पता होगा कि मैंने हमेशा आपसे कहा है कि मुझे मैथ्स नहीं लेना था, मुझे आर्ट सब्जेक्ट लेना था। 10वीं के बाद मुझे आर्ट सब्जेक्ट लेना था, मेरा इंटरेस्ट बहुत था। बट आप इसे इत्तिफाक समझो, दुर्भाग्य समझो, मेरी फूटी किस्मत कि मेरे 10th में मैथ्स में 6 नंबर आ गए थे, अच्छे खासे। ऐसा नहीं कि मेरी मैथ्स वीक थी, ठीक ठाक मैथ्स थी। मेरे 10th में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैथ्स में साथ 95-98 के आसपास मार्क्स थे। तो घर वालों को लगा भाई ये तो हमारे घर में इंजीनियर पैदा हो गया है, भाई नेता आदमी इंजीनियर बने गए, तो मैथ्स अच्छी है, चलो करा दो आप। और उस साइंस में अच्छे मार्क्स आए थे, तो मेरा मन था कि नहीं नहीं मुझे आर्ट लेना है। तो घर वालों को ये लॉजिक दिया कि नहीं भाई स्कूल में आर्ट अच्छी पढ़ाई नहीं होती, 11th-12th में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं मैथ्स लेते हैं, ये वो करके फाइनली मुझे मैथ्स में एडमिशन दिलवा दिया। 11th में मैंने मैथ्स ले लिया। अब हुआ क्या कि अब लिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ाई की, अच्छे खासे मार्क्स। देखो मार्क्स लाना और उसका उस सब्जेक्ट को जीना दोनों अलग चीज़ होती है। मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे, मेरे 11th में मैथ्स में 100 out of 100 थे जितने भी एग्जाम्स होते थे। 12th में मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में 95% के आसपास था। तो मार्क्स लाना अलग चीज़ होती है, मेरे मार्क्स अच्छे खासे आ रहे थे। बट मैं जीता किसको था, मैं जीता था ह्यूमनिटीज़ के सब्जेक्ट को, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी। मुझे बहुत मजा आता था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ने में, मिसलेनियस, स्पोर्ट्स, इन्वायरमेंट, इवन साइंस में भी मुझे बहुत था। मैं साइंस भले ही नहीं पढ़ा था, बट साइंस मुझे बहुत इंटरेस्ट था पढ़ने में। लेकिन जब मैथ्स की बात आती थी, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता था मैथ्स में। नंबर लाना अलग चीज़ थी। चलिए 12th हो गया। अब 12th हुआ तो जब अच्छे खासे परसेंट आ गए, घर वाले ने बोले नहीं नहीं तो इंजीनियरिंग करेगा, बीए में बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, बीए में कोई फ्यूचर नहीं है इंजीनियरिंग में, तो ऐसा कि तू इंजीनियर की नौकरी कर लेगा, ये कर लेगा, वो करके इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलवा दिया मेरे को। और जब इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलवाया तो लाजमी सी बात है, मेरा इंटरेस्ट तो था नहीं, अच्छा कर नहीं पा रहा था मैं। देखो वहां भी परसेंट आ रहे थे, मैं फिर ज्यादा मार्क्स लाना चीज है, वहां भी मेरी 7.2 की डिग्री बनी है इंजीनियरिंग में, और इंजीनियरिंग में 7.2 की डिग्री बनना वो भी प्राइवेट कॉलेज में बहुत बड़ी बात मानी जाती है, मतलब छोटी मोटी बात तो नहीं है कम से कम, ठीक है, स्पेशली उस जमाने में 2010 से 2014 के जमाने में। तो मार्क्स वहां भी आ रहे थे, बट मैं सब्जेक्ट को जी नहीं पा रहा था, सब्जेक्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जीता था। वापस यूपीएससी की तैयारी करने जब आया, 2014 में मेरी एंट्री होती है तैयारी के लिए, तो यूपीएससी की तैयारी चालू की मैंने, तो बेहतरीन शानदार तरीके से अपना जमाना शुरू हुआ, बोलते ना कि अब आएगा मजा, बेहतरीन पढ़ना शुरू किया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, सारा पढ़ना शुरू किया। और जब पढ़ते पढ़ते यूपीएससी दिया, 1-2-3 इंटरव्यू दिया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम निकाला, फाइनल सिलेक्शन हो गया उसमें, फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया, यहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बोला कि मेरी मैथ्स वीक नहीं, स्ट्रांग नहीं थी, नंबर लाना अलग चीज़ होती है, लेकिन जो जीने की बात होती है ना कि यार ऐसा काम करो जो खुश हो जाए, मन को खुश होने वाला, दिल को ठंडक पहुंचाने वाला, तो वो मैथ्स मैंने सेलेक्ट नहीं किया कि नहीं यार मैं बिल्कुल मैथ्स से दूर से नमस्कार करता हूँ, मुझे नहीं करना। सेम रीजनिंग का हाल था कि नहीं रीजनिंग नहीं करना। फिर से बोलता हूँ, मार्क्स अच्छे आते थे, मार्क्स लाना और उस सब्जेक्ट से खुश होना, दिल को सुकून मिलना वाला चीज़ था। तो मैथ्स रीजनिंग हटा दिया। इंग्लिश की बात आई तो इंग्लिश में बताऊँ, इंग्लिश मैंने सीखा था अच्छी खासी, करीब 4-5 साल इंग्लिश सीखी थी मैंने, बट मैं इंग्लिश पढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाऊं जो मुझे इनबिल्ट है मेरे अंदर, जिसका सॉफ्टवेयर मेरे अंदर ऑलरेडी घुसा हुआ है। इंग्लिश देखो, इंग्लिश सीख के 5-6 साल फिर पढ़ाना आसान काम है, लोग भी करते हैं, बहुत लोग करते हैं कि इंग्लिश सीखा और पढ़ाना शुरू कर दिया। बट मेरा यह था कि नहीं, मैं ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा जो मेरे अंदर, जिसका सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अंदर इनबिल्ट है, घुसा हुआ है। अब वो था जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मुझे बहुत मजा आता था। यकीन मानिए, अगर मैं अच्छी नींद आ रही हो, मैं बहुत थका हूँ, और सामने कोई हिस्ट्री की कोई स्टोरी सुना दे या कोई अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा दे या कोई क्वेश्चन हो, तो मेरी नींद टूट जाती है कि यार वाह क्या बात। ये था, ये बड़ा शानदार था। दैट्स वाई फिर मैंने जीके पढ़ाना शुरू किया कि यार जीके पढ़ाते हैं, जीके में ही मजा है, शानदार तरीके से। और शुरू में मैंने आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मिसलेनियस, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर पढ़ाना शुरू किया, करंट अफेयर शुरू किया, तो फिर साइंस में मैंने किया, क्योंकि साइंस भी लॉजिकल सब्जेक्ट है। मुझे लगा कि सारे सब्जेक्ट तो पढ़ा नहीं सकता मैं, मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हटा दिया कि नहीं अब काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे, क्योंकि इस स्टैटिक जीके का बहुत ज्यादा पोर्शन यूपीएससी में है। यूपीएससी बेसिकली आपको यही पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कुछ मिसलेनियस, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर मान लीजिए, और
करंट अफेयर्स, ये मेन सब्जेक्ट्स होते हैं यूपीएससी के। साइंस आती है लेकिन उतनी नहीं आती जितनी साइंस का एप्लीकेशन वाला एरिया आता है वहां पर। तो मुझे लगा नहीं, एक काम करते हैं यही स्टैटिक जीके ही चालू करते हैं, इसी में ही मजा आएगा बेहतरीन शानदार तरीके से। इस कारण से जीके पढ़ाना शुरू कर दिया। बाकी मैथ्स रीजनिंग मैं पढ़ाता तो भाई मैं बताऊं, देखो पढ़ाता अगर नंबर ठीक थे ठीक था कर लेते, पढ़ा देते, मैथ्स भी पढ़ाए थे, रीजनिंग भी पढ़ाए थे, इंग्लिश भी पढ़ाए थे, लाजमी सी बात है 5-6 साल कोई सब्जेक्ट पढ़ाओगे तो अपने आप फिर एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है। या आप 1 साल 2 साल 3 साल एक ही सब्जेक्ट बार बार पढ़ाओगे तो फिर तो बात की अलग बन जाती है। बट मैं वो सब्जेक्ट में जी नहीं पाता, मैं खुश नहीं रहता फिर। और जीके में ऐसा है कि आज भी बड़ा मजा आता है, मैं यकीन मानिए आज भी मैं क्लास लेके जाता हूँ तो मैं 1 घंटा 2 घंटा कोशिश करता हूँ जितना पढ़ पाऊँ। मेरे पास किताबें हैं, हो सकता है इंडिया में जितने पब्लिकेशन आते हैं हिंदी मीडियम की, स्पेशली हिंदी मीडियम मुझे मजा आता है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से रहा हूँ, इंग्लिश ही कम किताबें पढ़ता हूँ मैं, तो हिंदी मीडियम में मुझे लगता है शायद कोई ऐसा सब्जेक्ट की पब्लिकेशन बचा होगा जिससे किताब मेरे पास ना हो। ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बनाया था, घर से देखा होगा आपने, रैक की जब दिखाया था कि 4-5 रैक भरे हुए हैं पूरे के पूरे 6-6 खंड के, जिसमें सब किताबें हैं, सारे पब्लिकेशन जितने भी पब्लिकेशन आपके होंगे ना, बड़े से बड़ा छोटा छोटा, अगर मुझे दिख गई कि किताब है पढ़ने लायक है तो खरीद लेता हूँ, अगर देखा कि पढ़ने लायक है तो फटाक से खरीद लो, दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये इंटरेस्ट है और यही अपने दिल को सुकून देना था और वो चीज़ करना था जिससे दिल को खुशी हो, दैट्स व्हाई मैंने जीके सेलेक्ट किया। ये छोटी सी बात है, सवाल पूछते हैं ये लोग मेरे से। मैं कल ही बताऊं, कल मैं बैठा था मैंक सर के साथ, मैंक सर जो अपने एसएससी सेलेक्टेड है, सीजीएल सेलेक्टेड है, उनका 4 बार सिलेक्शन हुआ है, बताया था आपको हमने ना। और अभी इस टाइम पे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आरएएस है, मतलब राजस्थान पीएससी जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई करके नौकरी कर रहे हैं, क्लास शानदार नौकरी है। तो उनने भी मेरे से बोला कि संदीप सर ये इंजीनियरिंग की, बोला हाँ, बोले कौन सी इंजीनियर, मैकेनिकल, बोले मैकेनिकल, बोला हाँ, बोले मैकेनिकल के जीके कहाँ पहुँच गए। तो मैंने उनको स्टोरी सुनाई, बोले यार अच्छी जर्नी, अच्छी स्टोरी है, आप वीडियो बनाओ इस पर। तो मैंने बोला सर ये मैं चाहता हूँ वीडियो बनाना, क्योंकि बहुत लोग ये सवाल मेरे से हमेशा करते हैं, इवन मेरे घर वाले लोग भी करते हैं कि तो मैथ्स रीजनिंग पढ़ाना था, इंग्लिश पढ़ाना था, जीके में कहाँ चला गया। तो ये स्टोरी है, दिल से निकला तो बता दिया। लोगों ने बोला वो हमारे विक के एडिटर साहब, बोले सर वीडियो कर दो, वीडियो कर दो, मतलब वीडियो कर दिया, चलो भाई बच्चे भी जान जाएंगे कि अच्छा ये स्टोरी होती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इस वीडियो के माध्यम से कि जो दिल को सुकून दे वही मजा आता है उसमें। पैसा वैसा तो ठीक है, इंसान कमा ही लेता है, काम कर ही लेता है, नौकरी तो करना है, जब करनी हो नौकरी तो भाड़ में जाए टोकरी उठाना है, किसी की नौकरी कर लो ठीक है, बट जो सुकून मिलता है पढ़ा के जीके को, मैं यकीन मानिए दिन में 4-5-6 क्लास लेता हूँ, मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट की बात आती है तो बड़ा टेंशन होता है कि भगवान अब क्या होगा। ठीक है, ये छोटी सी बात है, बस बने रहिए चैनल में, लगातार क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस देखते चलिए, इन्जॉय करते चलिए।